नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरा इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी NCC स्पेशल एंट्री 2021 के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक पहुँच जाए वो और आप उस फॉर्म को भर सकें, या अगर आप उसमें एलिजिबल हों तो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक साइट खोल रखी है, सरकारी रिजल्ट.com। मैं ज़्यादातर इसी साइट पे बिलीव करता हूँ। मैं हर अपनी वीडियो में इसी साइट में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से फॉर्म भरना कैसे है। तो दोस्तों, ये साइट आपके सामने खोल रखी है। तो दोस्तों, अभी तो जो लेटेस्ट जॉब में आप देखेंगे तो सेकेंड नंबर पर ही अभी आ रही है आर्मी NCC स्पेशल एंट्री। दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे तो आप पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने ये पेज पहले ही खोल रखा है सामने। तो चलिए दोस्तों, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या है इस पोस्ट के बारे में। तो नेम ऑफ पोस्ट दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, जॉइन इंडियन आर्मी 50th NCC स्पेशल एंट्री 2021 फॉर 55 पोस्ट। 55 पोस्ट हैं बस, और अभी स्पेशल एंट्री है ये 2021 की। तो पोस्ट अपडेट 20 जून, 20 जून को ये अपडेट हुआ है पोस्ट। तो नीचे इसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है कि जॉइन इंडियन कोस्ट आर्मी आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ आर्मी NCC 50th एंट्री मैन स्लैश वुमेन NCC स्पेशल रिक्रूटमेंट 2021। तो इसमें ये लिखा है कि जो लोग अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसकी जो डिटेल्स है नीचे देखिए, हम जो एप्लीकेशन शुरू हुई है वो इसकी 16 जून को शुरू हो गई थी, लेकिन अब जो इसकी लास्ट डेट है वो 15 जून कर दी गई है। पहले इसकी डेट कम थी, 15 जून से पहले थी, लेकिन 15 जुलाई से पहले थी, लेकिन अभी जो इसकी लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 15 जुलाई। ठीक है, और अब जो इसको इसका जो कोर्स स्टार्ट है वो अक्टूबर 2021 में होगा। तो दोस्तों, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, काफ़ी अच्छी खबर है कि ये जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो ज़ीरो है। जनरल OBC के लिए भी ज़ीरो है और सबके लिए, बाकी जितनी भी कैटेगरी सबके लिए ज़ीरो है। मेन बात यह है कि जनरल वालों के लिए ज़ीरो है, क्योंकि जनरल वालों के लिए हमेशा थोड़ी नॉमिनल फ़ीस रखते ही हैं। हर एक पोस्ट, जब भी हमको आपको देखा होगा मेरी हर एक वीडियो में, जब भी हमने पोस्ट के बारे में बात करा है किसी भी, तो हर जनरल वालों के लिए, हर जनरल वालों के लिए एक नॉमिनल फ़ीस होती है, भले वो 100 रुपये क्यों ना हो, लेकिन फ़ीस होती ज़रूर है। चलो, अच्छी बात है, इसमें फ़ीस नहीं है तो 0 रुपीज़ है इसके अंदर। तो दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं थोड़ी सी डिटेल, जो 55 पोस्ट हैं वो क्या हैं। NCC मेन की 50 पोस्ट हैं और NCC वुमेन की 5 पोस्ट हैं, बहुत कम पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 50% मार्क्स। 50% मार्क्स चाहिए आपको किसी भी स्ट्रीम में, आपको मतलब ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स के साथ, एटलीस्ट 50% होने चाहिए। दूसरा एक जो मेन रिक्वायरमेंट इनकी होती है वो NCC सी लेवल सर्टिफिकेट चाहिए इनको। NCC में डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे सी लेवल सर्टिफिकेट चाहिए। और एज लिमिट है 19 से 25, 19 साल से लेके 25 साल तक जितने भी एज हैं, एज ऑन 1 जुलाई 2021 19 से लेकर 25 हैं वो इनको अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं हाउ टू फिल द फॉर्म, यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे डिटेल्स हैं, क्या क्या आपको चाहिए, कौन सी आपको ID प्रूफ चाहिए, उसको स्कैन करना है नहीं करना है, कैसे करेंगे, सब यहाँ पर लिख रखा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक क्विक सॉल्यूशन दे दूँ कि एक तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शन आपके लिंक आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी आर्मी की जो साइट होती है वहाँ पहुँच जाएंगे और आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। दूसरा ऑप्शन है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। मैं एक तो नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर दिया है आपके लिए दोस्तों, इस पर मैंने अप्लाई ऑनलाइन पे भी क्लिक कर दिया है। इसको खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि बहुत लोग इसको अप्लाई करने में लगे होंगे, होप करता हूँ जल्दी खुल जाएगी। तो दोस्तों, एक तो खुल गया है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है NCCW 50 PDF। यहाँ पर देखिए PDF ऐसे इस नाम की खुलेगी, इसमें टोटल 11 पेज हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पेज खुल गया है कि जॉइन इंडियन आर्मी NCC स्पेशल एंट्री 50th कोर्स अक्टूबर 2021 से तो कोर्स शुरू होगा, वो पोस्ट के लिए है। दोस्तों, पूरी एलिजिबिलिटी दे रखी है इसके अंदर डिटेल में, क्योंकि इसमें काफ़ी वो पॉइंट्स हैं मार्क करने वाले कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आप, मैं आपको सामने थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ। नीचे देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी है वो नेशनलिटी के बेस पर लिखी हुई है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हुआ, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे अभी हम, लेकिन आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी अगर इसका लिंक आपको वेबसाइट से नहीं मिलता तो मैं अपनी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। दूसरा दोस्तों, ये एक पेज और था जॉइन इंडियन आर्मी करके। दोस्तों, अब इसको एंटर करने के लिए, अब ये देखिए इस वेबसाइट पे ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम डाल देते हैं, एक बार दिखाई देता हूँ मैं आपको, तो डाल के दिखाता हूँ मैं आपको कि कौन सी वेबसाइट खुलेगी यहाँ से। तो अच्छा, मैंने गलत डाल दिया है, ठीक कर लेते हैं इसको। एंटर वेबसाइट मैंने दबा दिया है, तो अब होप सर होकर जल्दी खुल जाए।
तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये खुल चुका है यहाँ पे इंडियन आर्मी की जो देखिए वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट निक नॉट इन। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपको अपना यूज़र नेम डालना है अगर आप इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अगर आप नए रजिस्टर करें में आपने मतलब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसमें मैं क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन सा पेज खुलने वाला है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल्ड है यहाँ पर कैसे भरना है। पहले तो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि फॉर्म को भरना कैसे है। तो अब हम क्या करते हैं इसको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट पेज क्या खुलने वाला है इसमें। तो दोस्तों अब ये सारी आपको अपनी डिटेल भरनी पड़ेंगी क्योंकि ये मैं अब आपको नहीं भर के दिखा सकता, ये आपको अपनी अपनी भरनी पड़ेंगी। या आपको आधार नंबर डालना है यहाँ पे या पे या फिर आपके पास दोनों नहीं है तो आप नन करेंगे। एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है। फिर बाकी सब सारी डिटेल्स हैं इसमें, कैंडिडेट नेम डालना है, फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे करते करते काफ़ी स्टेप्स आएंगे और आपकी कंप्लीट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमारा छोटा सा टारगेट दोस्तों 100 सब्सक्राइबर का, 84 सब्सक्राइबर हो गए हैं हमारे, 16 हम दूर हैं 100 सब्सक्राइबर से। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद आपने मेरी वीडियो देखी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।